अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वॉइस आर्टिस्टिक में वेलकम है। मैं हूँ यमुना बैद। आज हम बनाएंगे वाटरफॉल सीन वाटर कलर्स से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए कीजिएगा। वीडियो के स्टार्ट से एंड तक साथ रहिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आए। सबसे पहले हम स्काई पेंट करेंगे। इसके लिए स्काई ब्लू कलर को पानी की मदद से ब्रश से फैला लेंगे, साथ ही वाइट और ग्रे कलर से वाटरफॉल पेंट करेंगे। वाटरफॉल बनाते वक्त ब्रश को सीधा रखकर ही बनाना है ताकि पानी सीधा गिरता हुआ दिखे। साथ ही हम रॉक्स पेंट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले डार्कर शेड का कोट करेंगे और इस कोट को हमने बनाया है ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करके। रॉक्स को साइड में बड़ा ही रखना है। पहले हमने डार्क टच देना है, बाद में हमने इसको लाइट शेड देंगे ताकि रियलिस्टिक लुक आए। आप देख सकते हैं कि हमारी रॉक्स जो हैं अभी काफी डार्क लग रही हैं। अब हम रॉक्स को रियल लुक देने के लिए ग्रीन शेड देंगे। इसके लिए ग्रीन कलर में थोड़ा ब्लैक कलर मिलाना है और पानी के साथ ब्लेंड करके रॉक्स के साइड में लगाना है, पूरा फिल नहीं करना है। बाद में रॉक्स के बीच में ऑरेंज और ब्राउन को ब्लेंड करके लगाना है ताकि ऊपर का पोर्शन वाज़े हो। दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं और दूसरे पोर्शन में भी सेम प्रोसीजर होगा। अब हम अपने वाटरफॉल को वाज़े करने के लिए ग्रे और फ्रोजी कर्वी लाइंस बना रहे हैं। नीचे की तरफ ग्रे और ऊपर की तरफ फ्रोजी लाइंस बनाएंगे। अब हम नीचे का पानी पेंट करेंगे, साथ ही वाटरफॉल के गिरने का प्रेशर बनाएंगे वाटर कलर से, वाइट कलर से। और इसके लिए पानी कलर में मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, हम बाद में ग्रे और फ्रोजी टच से बैलेंस करेंगे। वाटरफॉल को फाइनल लुक देने के लिए इस ग्रे कलर को ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रश की मदद से फैलाएंगे। पानी के झाग में भी ग्रे कलर का टच देंगे और ग्रे टच को वाइट कलर में मिक्स नहीं करना है, सिर्फ नीचे की तरफ ही शेड देना है। अब हम साथ ही नीचे वाले पानी की लहरों पर भी काम कर रहे हैं, इसमें फ्रोजी ग्रे और वाइट का टच आएगा। अब हम दरख्तों की तरफ आएंगे। दरख्त की डंडियों के लिए हमने डार्क कलर्स यूज किए हैं, ब्लैक और ऑरेंज को मिक्स करके। अब हम इसके पत्तों की तरफ आते हैं। हमने तीन कलर्स लिए हैं, इसमें डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और येलो कलर शामिल है और तीनों को हमने सिर्फ प्लेट में डाला है, इसको ब्लेंड नहीं करना है। तीनों को ब्रश में बराबर लगाना है और सिर्फ प्रेस करना है आपको। हमारी तरफ तकरीबन रेडी हैं। शुरू में मैंने छोटे रखे थे पोर्ट्रेट के हिसाब से, फिर बाद में मैंने इसको एक्सटेंड किया। दूसरी तरफ भी हमने सेम रॉक्स बनानी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने लाइट बनानी है तो लाइट कलर से बना लें, डार्क बनानी है तो डार्क बना लें। अब हम अपने क्लाउड्स बना रहे हैं। क्लाउड्स के बॉटम जो है वो डार्क रखना है, इसको बाद में हम ग्रे से ब्लेंड करेंगे और बैलेंस करेंगे। जैसे रियल लुक में होता है, कहीं कहीं से वाइट ज़्यादा होता है, कहीं कहीं से ग्रे ज़्यादा होता है। हम एक्सटेंशन दे रहे हैं अपने ट्रीज को। प्रेशर भी हमारा रेडी हो चुका है अबाउट वाटर का। वाटरफॉल हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। हमारी पोर्ट्रेट ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। सिर्फ अब लास्ट में हमने प्लांट्स लगाने हैं थोड़े बहुत, जो कि रॉक्स के बीच में आएंगे। हियर्स आवर फाइनल पोर्ट्रेट। और अब हमारी फाइनल पोर्ट्रेट रेडी है। आपको कैसी लगी फीडबैक देते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बी विद अस।